अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां बीते 28 दिनों से लेवल 2 के अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर 28 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा रीट लेवल 2 के 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें 21,000 से अधिक पदों पर सरकार एवं बोर्ड की तरफ से नियुक्ति दे दी गई है, मगर 5,000 से 6,000 पद लगभग ऐसे हैं जिन पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। उन्हीं में से अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारियों को अभी तक सरकार की तरफ से नियुक्ति नहीं दी गई है और ये पिछले 4-5 महीनों से अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लगातार 28 दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है। सर, 28 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार के अधिकारियों या शिक्षा मंत्री से कोई आपके लिए ठोस कदम उठाएगा? सर, 28 दिन, पिछले 28 दिन से हम लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सरकार के नुमाइंदों से हम जाके मिलने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जितने भी मंत्री हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, इवन हम मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश की हमने, पर वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमानी, अधिकारियों का ये दोहरे व्यवहार की वजह से हम यहाँ पर आज लटके पड़े हैं। किसी भी प्रकार की कोई कोर्ट की किसी भी प्रकार से कोई अड़चन ना होते हुए भी हम यहाँ पर 28 दिन से कंटिन्यू छोटी छोटी माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी हैं यहाँ पर। युवा सारे परेशान हो रहे हैं, कई एक सर्विसमैन हमारे साथ में बैठे हैं, मतलब मानसिक रूप से तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं हम, उसके साथ साथ में शारीरिक रूप से भी पूर्ण तरह से नष्ट होने को आए हैं। ठीक है, यहाँ पर रहने की समस्या हमारी हो रही है, खाने की समस्या हो रही है, सरकार इस पर किसी भी प्रकार से सूद नहीं ले रही है। हम सरकार से इतनी गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे किसी प्रकार का कोई भी कोर्ट का पैच बीच में नहीं अड़ रहा है, हमें सरकार से इतना। पूर्व में जो 2016 में थर्ड ग्रेड भर्ती हुई, 18 में थर्ड ग्रेड भर्ती हुई, उसमें अतिरिक्त विषय के चयनितों को सरकार द्वारा नियुक्ति दे दी गई, 2022 में ही ऐसा क्यों हुआ जिसकी वजह से आपको यहाँ पिछले 28 दिनों से प्रदर्शन करना पड़ा? सर, 2016 में 18 में बकायदा नियुक्ति प्रदान की गई, इवन 2021 में भी वेटिंग वालों को नियुक्ति प्रदान की गई है, पर मैं कुछ अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहता। उन अधिकारियों ने अपनी मन मर्जी से सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ नॉन एडिशनल के जो हमारे साथी हैं, वो भी मैं उनको भी अपना साथी कहूँगा क्योंकि वो भी शिक्षक लग चुके हैं और कई ऐसे हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके नज़दीकी संबंध होने के कारण सिर्फ और सिर्फ एक कमेटी गठित करते हैं, वो अपनी इच्छा से स्वइच्छा से एक कमेटी गठित करते हैं, उसमें से अपने ही किसी भी विशेषज्ञों को नहीं लिया जाता है कि एडिशनल वैलिड है या नहीं है, इस प्रकार की किसी भी जानकारी न होते हुए 4-5 अधिकारियों को एक कमेटी गठित की जाती है और उनके द्वारा एडिशनल को वो अयोग्य पात्र घोषित कर देते हैं और भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना करने का वो आदेश निकाल देते हैं। देखिए, चयनित शिक्षक लेवल 2 से जुड़े हैं और लगातार 28 दिनों से इनका शहीद स्मारक पर प्रदर्शन जारी है। लगातार यहाँ पर कुछ महिला अभ्यर्थी भी पिछले 28 दिनों से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, 28 दिनों से आपका प्रदर्शन चल रहा है, किन किन परेशानियों से आपको गुजरना? सर, परेशानियाँ तो बहुत सारी हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, मेंटली प्रेशर भी है और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं ना, हम उनकी भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं सर। बाकी फाइनेंशियली इश्यूज तो हैं ही सही। मैम, सरकार या शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके नियुक्ति के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए अभी तक? अभी तक तो कोई ठोस कदम नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिला है सर। अंतिम बार कब बार तो हुई? सर, कल परसों हुई थी। देखिए, तमाम चयनित शिक्षक हैं जो रीट लेवल 2 के अतिरिक्त विषय से जुड़े हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 27,000 पदों पर लेवल 2 भर्ती निकाली गई थी, जिसमें लगभग 5,000 से 6,000 पद ऐसे हैं जिन पे अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। मैम, 28 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। सर, मैं जब यहाँ पर ब्याह के आई थी ना, तो लोग बोलते थे कि कंपटीशन में जब तैयारी करने लगी कि अरे ये राजस्थान है, यहाँ की तो पता ही नहीं है सरकार क्या करे, कब कुछ के कुछ नए रूल बना देती है। सरकारी नौकरी ऐसे बहुत हलवा नहीं है यहाँ पर, ये सरकार है अपने अकॉर्डिंग ही नियम बनाती है। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पढ़ेंगे तो हम ज़रूरी नौकरी पाएंगे। लेकिन ये रियली में उन लोगों की, क्योंकि उन्होंने तो सहा हुआ है, तो उन हमारे साथ भी सेम वही कंडीशन हो रही है कि हमें सरकार ने वही अपने हिसाब से नियम बना दिए और हमें यहाँ पर लाके बिठा दिया। सरकार, मतलब मैं मोदी जी कहते हैं कि भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो गुणवत्तापूर्ण क्या शिक्षा होगी? यहाँ पर हमें जो टीचर्स हैं उनको यहाँ बिठा रखा है, जो बच्चों को बनाते हैं
हैं, उनका फ्यूचर बनाते हैं, तो उनका फ्यूचर क्या बनाएगी सरकार? सरकार तो टीचर्स का ही फ्यूचर यहाँ पर अंधकार में डाल रही है। यहाँ धरने पर ला के बिठा दिया है हमें, और सरकार यहाँ पर सूद नहीं ले रही है। आश्वासन तो हमें कांग्रेस ने भी खूब दिए थे और यहाँ बीजेपी भी खूब दे रही है, लेकिन आश्वासन से तो हम उठेंगे नहीं। हमें तो लिखित में, हमें जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। और सरकार से यही विनती है कि हमें जल्दी से जल्दी स्कूल्स में पहुँचाए, धरने पर ना पहुँचाए। मैम, आने वाले 10-12 दिनों में आचार संहिता लगने की संभावना है, अगर आपको नियुक्ति नहीं मिलती है तो आपको कितना बड़ा नुकसान है? सर, बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे आचार संहिता आ रही है, ऐसे लग रहा है कि हमारा सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि एक आचार संहिता में हम पहले फंस गए और 4-5 महीने हो गए सर हमको, लेकिन कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार भी पूरा अपना ऐसे आश्वासन देती देती आचार संहिता में फंसा गई, और बीजेपी सरकार भी यही कर रही है, आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी कुछ लिखित में नहीं दे रही। कुछ आश्वासन देने से सर हम कैसे माने? कुछ लिखित में दे, अभी तो माने कि हमारा आज हमको अगर लिखित में आज ही दे दे तो हम आज ही उठकर चले जाए। इतने परेशान हो गए सर, फिजिकली मेंटली हमारे मतलब पैसे सब कुछ खत्म हो चुके। अब तो बस ये कि सरकार से जल्दी हमें आचार संहिता से पहले हमें स्कूल में पहुंचा दे सर। ये तमाम चयनित शिक्षक हैं, इनका कहना यही है कि आचार संहिता से पहले सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। 28 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है सर आपका, सरकार की तरफ से आपकी नियुक्ति के लिए कोई ठोस कदम अभी तक उठाए गए? जी सर, 28 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप लोग हमारी मांग को सुने और हमारी मांग पे तुरंत कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। पिछले 28 दिनों से हम दद्दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लोगों को अभी भी इस राम राज्य की सरकार से उम्मीदें हैं कि ये राम राज्य की सरकार हमारी नियुक्ति आचार संहिता से पहले पहले करवाएगी। इसलिए हम सरकार से और सरकार के जितने भी नुमाइंदे उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आप लोग हमारी पीड़ा को समझें, जो दद्दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पर सभी ये शिक्षक हैं, वो चयनित शिक्षक हैं, इन सभी ने 5 साल मेहनत करके इस उपलब्धि को हासिल किया है, क्योंकि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार में बहुत सारे पेपर थे वो लीक हुए, और उसके बाद में जो हमारी ये भर्ती प्रक्रिया थी, ये बहुत बार इसकी डेट थी वो पोस्टपोन्ड हुई, और एक बार इसका पेपर आउट होने की वजह से ये रद्द भी हो गई थी। उसके बाद में जब सभी विद्यार्थी इतनी मेहनत करके इस स्तर पर पहुँचे हैं, तो इन विद्यार्थियों के साथ में अब किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। हमें समय पर नियुक्ति दे करके स्कूलों में पहुँचाएँ लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले पहले। देखिए, तमाम चयनित शिक्षक हैं और लगातार 28 दिनों से इनका शहीद स्मारक पर प्रदर्शन चल रहा है। इन अभ्यर्थियों की सरकार से यही मांग है कि जब तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी सरकार की तरफ से, तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कुछ चयनित शिक्षक और हैं सर, 28 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, आने वाले 10-12 दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता से पहले आपकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू नहीं की जाती तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? सर, नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा कि हम हमारे साथ वाले जो लगे हैं ना नियुक्ति, उनसे 1 साल पीछे हो जाएंगे, और 1 साल पीछे होने का मतलब है कि सर 1 साल तो 5 साल तो हमने अपनी तैयारी में गवा दिए, और 1 साल अगर जो फिर पीछे हो जाते मतलब 6 साल हमारे जीवन का हमने व्यर्थ गवा दिए। सर, ऐसी शिक्षा लेके भी क्या फ़ायदा, जहाँ आदमी को खुद की नौकरी के लिए पहले मेहनत करनी पड़े, 5 साल तैयारी करनी पड़े, उसके बाद में 1 साल एक वो अधिकारियों के दबाव के कारण ही कर्मचारी चयन आयोग उसमें रिजल्ट जारी नहीं करे, उसके बाद में फिर धरने पे बैठना पड़े। तो सर 6 साल एक आदमी ने देने के बाद में अगर धरने पे बैठना पड़े, उसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिली, तो क्या मतलब फिर ऐसी सरकार का भी, ऐसे राम राज्य का भी? राम राज्य दिखा रहा है सर, राम जी भी नहीं आया तो राज्य का तो पता नहीं, कोई ऊपर वाला ही चला रहा है इसको। तो राजस्थान में जब से बीजेपी आई है सबसे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है सर। सर राम, देखिए तमाम वो चयनित शिक्षक है जिन्होंने पहले रीट परीक्षा दी, उसके बाद इन्होंने रीट परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद इन्होंने थर्ड ग्रेड एग्जाम परीक्षा दी, और उसके बाद इनका चयन हुआ, और ये अब नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 27,000 पदों पर लेवल 2 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 21,000 पदों पर सरकार की तरफ से नियुक्ति दे दी गई है, मगर 5,000 से 6,000 पद ऐसे हैं जिन पर अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा देनी बाकी है। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ द नगरी मीडिया।